साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कर्म के प्रति सजग होंगे। साथियों, आपको ज्ञात होगा कि कंटिन्यू हमने भरसक प्रयास किया बीएससी का जो इंटरमीडिएट लेवल का वैकेंसीज जो 2014 में आई थी, जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, जिन पोस्ट के साथ अन्याय हुआ है, मैंने भरसक प्रयास किया इस पे आवाज़ उठाने का और आप लोग सराहे, इसके लिए भी मैं आप सभी की आभारी भी हूँ। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोई जो दिग्गज व्यक्ति हैं हमारे अथॉरिटी में जो आता है उसके अंडर में रह के हमें काम करना पड़ता है, लेकिन जो कुछ गिने चुने व्यक्ति हैं उन्होंने आवाज़ उठाना ही बंद कर दिया। उनसे जब भी बात किया जाता है, बात करती भी हूँ, तो उनको सिर्फ ये रिप्लाई आता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, यह व्यर्थ की बातें हैं और 1778 कैंडिडेट योग्य ही नहीं हैं, तो फिर किस लिए ये आवाज़? तो योग्य कैसे नहीं है? जो बच्चे पीटी पास कर लिए हैं, मेंस पास कर लिए हैं, टाइपिंग एंड ऑल दे चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। पहले ऐसा होता था कि जिसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है उसको ऐसा मान लिया जाता था कि उनकी जॉब पक्की है, लेकिन यहाँ तो हाथ में आया हुआ जॉब भी छिन जाती है। तो अब किस पे भरोसा की जाए और किस तरीके से हम अपने आप को कह पाएंगे कि नहीं, निश्चित रूप से हम किसके साथ न्याय ही कर रहे हैं? तो साथियों, ये सरासर गलत है और इस पर अगर बीएसएससी इतनी लेत लतीफ़ी वाली आयोग है, तो निश्चित रूप से अभी भी बीएसएससी के पास वक्त है, अभी भी बीएसएससी कमीशन के पास वक्त है, अभी भी इस पर काम किया जा सकता है। और अभी भी अगर वो चाहें, अगर अभी भी बिहार के नेता चाहें, तो बहुत आसान हो जाएगा बच्चों का लाइफ, जो 1778 कैंडिडेट कंटिन्यू अपने पोस्ट की मांग कर रहे हैं। और 1778 ही नहीं, जो 11,329 कैंडिडेट है, इसमें से भी कई सारे हमारे मित्र कहीं और ज्वाइन कर चुके हैं, कोई और डिपार्टमेंट उनको मिल चुकी है, तो वो ऐसे भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। उनकी पे लेवल ऑलरेडी इससे भी अच्छी पे लेवल मिल चुकी है, तो वो क्यों ज्वाइन करें? तो ये सारी जो पोस्ट वैकेंट रहने वाली है, इस पर कोई बात विमर्श ही नहीं कर रहा है, इस पर इस पोस्ट को भरने की कोई बात नहीं कर रहा है, और ये सारे पोस्ट को कलेक्ट करके और इलेक्शन के लिए रख करके ये नेताओं की डिप्लोमेसी है और ये बच्चों के साथ खिलवाड़। फिर एग्जाम क्यों, मेंस क्यों एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों एंड टाइपिंग क्यों? अभी भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर बीएसएससी आयोग चाहें तो अभी भी 1778 कैंडिडेट का जिंदगी को बना सकते हैं, उनकी खुशियां लौटा सकते हैं। तो निश्चित रूप से बीएसएससी कमीशन को इस विषय पर एक बार जरूर मनन करने की जरूरत है, जरूर सोचें, क्योंकि यह एक बच्चों का मैटर नहीं है। इसमें 1778 और 1778 ही नहीं, लगभग 3000 सीट वैकेंट है। इसको मत रखिए इलेक्शन के लिए आप लोग। और जो भी बिहार के युवा नेता हैं, मैं बार बार उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, अप्रत्यक्ष रूप से उनको समझना चाहिए, तो उनको भी इस पर बढ़ चढ़ करके और निश्चित रूप से जो बच्चों के लिए हित का मैटर है, निश्चित रूप से इस पर काम किया जाना चाहिए और उनको भी यह परमिशन देना चाहिए, आदेश देना चाहिए बीएसएससी कमीशन को कि जल्द से जल्द 1778 जो 3000 कैंडिडेट है उसके विषय में कुछ काम किया जाए, क्योंकि एक तो इतनी लेट हो चुकी है, तो अभी सभी हम स्वीकार करने को तैयार हैं, अभी भी हमें अलर्ट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए, कई बार एज एक्सपायर का इशू है बच्चों का, जिस वजह से वह दूसरी जॉब का प्रिपरेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, और जो समाज में छवि खराब हुई वो बात तो छोड़ ही दीजिए, जिनकी शादियाँ टूटी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इनको फाइनल जॉब नहीं होने हुआ। तो आप जो इमोशंस से खिलवाड़ कर रहे बीएसएससी कमीशन, वो बात डिफरेंट है, जो बिहार के नेता, वो बात डिफरेंट है। लेकिन अभी से भी आप प्लीज इस पर काम करें। आप सभी नेताओं से हम आग्रह करते हैं,
भावना में निवेदन करते हैं कि 1778 कैंडिडेट की बातों को समझिए, इनकी दुविधा को समझिए, इनकी परेशानियों को समझिए कि किन परेशानी में ये लोगों ने इन्होंने 8 साल वेट किया, 8 साल धैर्यता का परिचय दिया और आज भी नम्रतापूर्वक, आज भी हम निवेदन पूर्वक ही आपसे यह आग्रह करते हैं कि 1778 कैंडिडेट का प्लीज आप वेटिंग लिस्ट दे दीजिए, इनकी ज्वाइनिंग दे दीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।